उतराला होली सड़क निर्माण चिंतन समिति ने एक बार फिर सरकार व लोक निर्माण विभाग को चेताया है। लोगों का कहना है कि नाबार्ड द्वारा आए 13 करोड़ रुपए अगर उतराला से बकलूट तक बनी सड़क की लिपापोती पर खर्च नहीं किए गए तो मजबूर होकर चिंतन समिति को हाईकोर्ट की शरण में जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस सड़क के बनने का 20 सालों से जनजातीय क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही है, अतः मनमानी होने नहीं दी जाएगी। अगर फिर भी उतराला से सड़क बनाने के लिए मनमानी की गई तो विरोध में सड़कों पर उतरना होगा। नमस्कार, मैं धर्मचंद मक्कड़, मेरे साथ मैं धर्मचंद मक्कड़ उतराला होड़ी सड़क चिंतन समिति का अध्यक्ष। मेरे साथ समिति के महामंत्री राज कपूर जी, उपाध्यक्ष महिंदर जी, सदस्य मिलाफ जी और जमीत जी। हमारी ये जो संगठन है समिति, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की, क्योंकि हमारी बरसों से एक यहाँ बैजनाथ और भरमौर की जनता की मांग है कि एक उतराला होली सड़क का निर्माण किया जाए, जिससे कि हमें आर्थिक और हमारे लाभ मिलता है। तो इस सड़क के लिए हाल में ही एक नवाड़ से 13 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है, परंतु उसको पहले से बनी सड़क पर ही खर्च करने का प्रावधान किया गया, जो कि सरासर गलत है। समिति का मांग करती है कि उस धनराशि को उस पहले से बनी सड़क पर लीपापोती करने हेतु खर्च ना किया जाए और उसको आगे की भतरेलू नामक स्थान से आगे की नई सड़क बनाने की पर खर्च किया जाए। अगर इस धनराशि को 13 करोड़ को अगर कटिंग और ट्रेस करने पर खर्च किया जाता तो मेरा मानना है कि ये सारी की सारी सड़क जो है वो बन जाएगी, उससे सरकार को भी लाभ होगा और दोनों विधानसभा क्षेत्र के जनता को भी। अब ये जो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गाड़ियों की सड़क नहीं है, लेकिन हम तो कल ही वहाँ पर गए जिसमें वो हमारी तो गाड़ी ऊपर तक भतरेलू तक गई, तो उसको क्यों बार बार उसको फजूल खर्च में पैसा खर्च कर देना है। ये तो समिति इसका विरोध करती है और अगर ये नहीं मानते हैं तो हमें न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो ये सरकार और विभाग जिम्मेवार होगा। बहु प्रतीक्षित होड़ी उतराला जो सड़क है, ये दो धारों के बीच में सड़क इनको कनेक्ट करने के लिए जो ये आज से 20 साल पहले अभियान शुरू किया गया था, ये स्वागत योग्य है। आज भी स्वागत योग्य था, उस समय भी स्वागत योग्य था, लेकिन सोचनीय बात ये है कि नाबार्ड का जो पैसा 13 करोड़ आज सैंक्शन हुआ पड़ा है, वो बड़ी एक टेक्निकल चीज़ भी है जो सोचने वाली बात है कि जो पैसा है नाबार्ड का पैसा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बार ही आना है। अगर आज की जो समय में इतने अच्छे प्रयासों के द्वारा अगर ये पैसा इस सड़क के लिए निर्माण हेतु प्रस्तावित करने के लिए आ गया है तो उसे बनी बनाई सड़क पे खर्च करने का क्या औचित्य है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात है कि जो उतराला होली की जो दो धारों को ये कनेक्ट करने वाली जो बात की जा रही है, कनेक्टिविटी का जो इशू है, अगर नई सड़क नहीं बनाएंगे तो ये कनेक्टिविटी होगी कैसे। और बड़ी एक सोचने वाली बात है कि चिंतन समिति जब मौका पे जाके आ रही है, हम तो लोकल भी हैं, हमें पता है कि जहाँ पे बस्ती है ही नहीं वहाँ पे आप बस चला के क्या करेंगे। अगर ये कनेक्टिविटी बनेगी ही नहीं, लोगों के जो सामाजिक भावनात्मक जो रिश्ते दोनों धारों के बीच में जुड़े हुए हैं उनमें अगर इस रोड को नई कंस्ट्रक्शन के माध्यम से जोड़ा ही नहीं जाएगा तो ये कनेक्टिविटी तो बनेगी नहीं और ना ही कोई औचित्य इस पैसे को बनाने का बनता है। अगर चार लोग इकट्ठे होके
कोई योजना अपने फायदे के लिए और ठेकेदारों के फायदे के लिए अगर ये बनाई जा रही है तो चिंतन समिति इसका कड़ा विरोध करती है। और साथ में ही जैसा हमने चेताया भी है कि जनता के पैसे को हम लोग दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अगर आपने सड़क का निर्माण करना है हम आपका स्वागत करते हैं, जहां समिति की जरूरत है समिति आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन जिस तरह से आप लोग चापो अभियान के लिए बनी बनाई सड़क में पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं उसको हम चिंतन समिति के माध्यम से नहीं होने देंगे। और अगर आप लोग इस अपने अड़ियल रवैये पे अड़े रहे, भतडेलू से आगे आपने काम नहीं शुरू किया, तो हमें हाईकोर्ट का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। नई कंस्ट्रक्शन की जो हम बात कर रहे हैं और कनेक्टिविटी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये कनेक्टिविटी नई कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हो जाती है तो उसके बाद मेंटेनेंस की जो बात की जा रही है वो उसके बाद की बात है। अगर बनी बनाई सड़क में आप लोग डंगे लगाएंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो उसका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन ढोरू की रिपोर्ट।